वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, टुडे इज 18th जुलाई और मैं रजत नागपाल आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में हमेशा की तरह करंट अफेयर मॉर्निंग के लेकर आ गया हूँ। हर करंट अफेयर के साथ हम उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के फैक्ट्स करेंगे और लास्ट में आपके लिए होमवर्क के प्रश्न दूंगा जो आपको गूगल करना होगा, सर्च करना होगा, उसके बारे में सारे फैक्ट्स देखने होंगे और वो मैं एश्योर करता हूँ आपको कि आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा आपको। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के थॉट के साथ। सो थॉट ऑफ द डे इज़ आई हैव फेल्ड 10,000 times, दिस इज़ द रीज़न ऑफ माई फाइनल सक्सेस। ये माइकल जॉर्डन के वर्ड्स हैं और उनका कहना है कि मैं 10,000 बार फेल हुआ था अपनी ज़िंदगी में, इसी की वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने गाइज, हु रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड तंगम्स ट्राइब। ये जो नाम है तंगम्स ट्राइब, ये किस प्रदेश में पाई जाती है भारत में और ये किसने लिखी है बुक, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसी प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर क्या है, किसने बुक रिलीज करी है जिसका नाम है तंगम्स ट्राइब। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ए ऑप्शन पेमा खांडू इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो पेमा खांडू ने ही ये बुक द तंगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब थी तंगम ट्राइब और ऐसा समय आया कि एक गांव में सिर्फ 343 इस ट्राइब के लोग, इस जाति के लोग बचे थे पूरे अरुणाचल प्रदेश में। तो उसको वो एंडेंजर्ड हमारे लिए जनजाति हो गई थी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बुक में लिखा गया है। तो किसने ये बुक लिखी है, पेमा खांडू ने। पेमा खांडू हैं कौन, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। सो अरुणाचल प्रदेश के CM ने ही इस किताब को लिखा है। और गवर्नर की बात करें तो बी ऑप्शन गवर्नर हैं BD मिश्रा और सी ऑप्शन हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू हैं और चौथा ऑप्शन अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। आपको ये सब पता ही होगा आई होप। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। हमेशा कहता हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि एक पेज पे सिर्फ बुक्स लिख लीजिए। एग्ज़ाम आएगा, मैं डेफिनेटली हर मंथ की बुक्स आपको अलग सिर्फ एक एक वीडियो में दे दूंगा, लेकिन अभी आपका जो काम है वो आप करें अपना ऑनेस्टली। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपको हेल्प करेगा सरकारी नौकरी दिलाने में। सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ गाइज। दूसरा क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजी के नई चेयरमैन कौन नियुक्त की गई हैं अभी अभी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है रोशनी नादर मल्होत्रा। शिव नादर इससे पहले चेयरमैन थे, वो इनके फादर थे, पिताजी थे, और अभी अभी उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है चेयरमैन से और रोशनी नादर उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा बन गई हैं HCL टेक्नोलॉजी, जो कि एक IT कंपनी है, उसकी चेयरमैन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की सबसे अमीर महिला हैं ये रोशनी नादर मल्होत्रा। इसके अलावा फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली थी वर्ल्ड के सबसे टॉप 100 रिच फीमेल्स की, तो उसमें ये 51 नंबर पे थी और भारत में नंबर 1 पे थी। वर्ल्ड वाइड 51st रिच फीमेल हैं एंड इंडिया में पहली, ये आपको याद रखना है। HCL की बात करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। 1976 में HCL की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नोएडा में। कब हुई थी, 1976 में। ये सारे फैक्ट्स पेन डाउन करते रहिए, अपने नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और अभी तक अगर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारे लिंक्स अवेलेबल हैं, उस पे जाके ज्वाइन करें। और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंट हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करने का काम करें, बहुत जल्दी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए कि आज सैटरडे है, तो हमेशा की तरह सैटरडे की मोटिवेशनल ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। जल्दी से जाएं, देखें, शेयर करें अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और आज आपको एक कंफ्यूजिंग इंग्लिश के वर्ड्स वाली वीडियो भी मिलेगी और उसको देखना भी मत भूलिएगा और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। बढ़ते हैं हम अपने आज के थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा, HCL के बारे में बता दिया, नई चेयरमैन के बारे में बता दिया। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट स्टार्टेड अ वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड साइबर। ये साइबर नहीं है, साइबर है। हाँ, इसका रिलेशन साइबर से ही है, इंटरनेट से ही है, वो हम डिस्कस करते हैं क्या है। पर पहले हमें ये जानना है कि कौन सा राज्य है जिसने वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिसका नाम है साइबर। सीधा सीधा आंसर जो स्टेट है वो दे के पूछ सकते हैं कि कैंपेन का नाम क्या है जो उन्होंने महिलाओं और बच्चों को इंटरनेट से होने वाले खतरे से बचाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये साइबर क्यों किया गया है, महिलाओं और बच्चों को जो इंटरनेट पर मोलेस्टेशन देखनी पड़ती हैं
या जो भी उनको वल्नरेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है। तो कैंपेन का नाम साइबर जरूर याद रखना है। किस राज्य ने किया है? तो बी ऑप्शन तेलंगाना ने। वुमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना पुलिस लॉन्चेस मंथ लॉन्ग ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन, एक महीना चलेगा, जिसका नाम है साइबर, मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, के सी राव, ठीक है। तेलंगाना बना कब था? 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था भाषा के आधार पर। और गवर्नर कौन है तेलंगाना की? तमिलसाई साउंड राजन। कौन है? तमिलसाई साउंड राजन। तो ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए गाइस अब तक, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, क्या था इसका आंसर? बी ऑप्शन तेलंगाना। ओके, मूव करते हैं हम अपने आज के फोर्थ करंट अफेयर पर, जो है विच IIT हैज़ स्टार्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल। भारत का IIT कौन सा है जिसने पोर्टेबल हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, उसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरा, इसको बनाने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 2 से 3 घंटे में टीम इसको प्रिपेयर कर देती है उस IIT की। और इसकी खास बात क्या है? इसमें एक डॉक्टर रूम है, एक आइसोलेशन रूम है और एक ICU भी है। एक ICU है, एक आइसोलेशन रूम है और एक डॉक्टर रूम है। तो काफ़ी अच्छी ये फैसिलिटी है। किस IIT ने इसको डेवलप किया है? तो सही ऑप्शन है गाइज इसका ए ऑप्शन IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास ने अभी अभी इसकी शुरुआत की है, आपको ये याद रखना है। तो IIT मद्रास है कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन ये जो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, अगर पूछें इंस्टॉल कहाँ किया गया है, तो ये इंस्टॉल किया गया है केरला में। जी हाँ, केरला में इसको इंस्टॉल किया गया है और बनाया गया है IIT मद्रास द्वारा। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के फिफ्थ करंट अफेयर पर। आज के फोर्थ से आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये फैक्ट याद रखना है। पांचवा प्रश्न है आज का गाइस आपके लिए, व्हेन वाज द इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल, इसको वर्ल्ड जस्टिस डे भी कहते हैं। वर्ल्ड न्याय डे कब सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन 17 जुलाई। 17 जुलाई को हर साल हम इंटरनेशनल जस्टिस डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो भी लोगों के साथ अन्याय होता है उनको न्याय दिया जा सके कोर्ट के थ्रू। जस्टिस प्रोवाइड हो हमेशा, और जितने भी हमारे न्यायालय हैं उनकी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं और डिस्कशन की जाती है कि कैसे हमें यू कैन से इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो हर साल 17 जुलाई सी ऑप्शन को हम इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाते हैं। इस चीज़ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, ICC जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कहाँ पे है? वो सबसे बड़ा न्यायालय है, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आपका देश में केस सॉल्व नहीं होता है तो आप सबसे ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसका हेडक्वार्टर है द हेग में। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की जो सिटी है द हेग, वहाँ पे है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जस्टिस डे मनाया जाता है 17 जुलाई को। तो फिफ्थ क्वेश्चन से हमें इतने ही फैक्ट्स याद रखने हैं। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, विच फुटबॉल टीम वोन द ला लीगा टूर्नामेंट 2020। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फुटबॉल इवेंट है, ला लीगा टूर्नामेंट, स्पेनिश टूर्नामेंट है ये बेसिकली। दो ही फेमस हैं टूर्नामेंट बहुत, एक तो ये स्पेनिश टूर्नामेंट ला लीगा और एक है इंग्लिश टूर्नामेंट जिसकी विनर हुई थी लिवरपूल, मैंने आपको पिछले मंथ ही बताया था। वो ब्रिटेन की टूर्नामेंट है और लिवरपूल एक इंग्लिश क्लब है फुटबॉल का, वो जीता था इंग्लिश लीग। अब पूछ रहे हैं ला लीगा जो कि एक स्पेनिश टूर्नामेंट है, ये कौन सी टीम जीती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा बार ला लीगा टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है, 34 टाइम इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। दूसरे नंबर पे है बार्सिलोना जिसकी जो लियोनेल मेसी हैं, हमारे मेसी की टीम है ये, और उन्होंने 26 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ला लीगा टूर्नामेंट 2020 की विनर कौन है? ए ऑप्शन रियल मैड्रिड, ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का छठा करंट अफेयर। मूव करते हैं हम अपने आज के सातवें करंट अफेयर पे। सातवां करंट अफेयर है, Which country has signed an agreement named air bubble with France and America to operate flights? कौन सा ऐसा देश है जिसने एग्रीमेंट किया है कंट्रीज़ के साथ और एयर बबल चलाया है? एयर बबल बेसिकली क्या होगा? एग्रीमेंट है कि उन दो कंट्री के साथ
फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाएगा, सिर्फ बाईलेटरल है, मतलब रस्ते में कहीं रुकेगी नहीं, और जो एयर स्पेस होगी वो सिर्फ उस उन्हीं दो कंट्रीज़ के लिए यूज़ की जाएगी। तो फ्लाइट स्टार्ट करने वाला है कौन सा देश? बिल्कुल ए ऑप्शन इंडिया इसका सही उत्तर है। फ्रांस और यूएसए के साथ उसने एग्रीमेंट किया है और एयर बबल के दौरान फ्लाइट्स चलने जा रही हैं। किसके साथ? फ्रांस और यूएस, एयर बबल के थ्रू फ्लाइट्स आएंगी और जाएंगी फ्रांस में और यूएसए में। किस कंट्री ने एग्रीमेंट किया है? इंडिया। तो इंडिया ने किया, तो इंडिया के आपको सिविल एविएशन मिनिस्टर पता होना चाहिए जो है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि जर्मनी और यूके में बात एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है, यानी कि बस वहां पे भी अब फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आपको एयर बबल याद रखना है और फ्रांस और यूएसए नाम याद रखना है, और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं हरदीप सिंह पुरी का नाम याद रखना है। तो ये था हमारा करंट अफेयर 7th। अब जो अगला करंट अफेयर है वो हमेशा की तरह यूनियन मिनिस्ट्री पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो न्यूज़ में रहते हैं किसी ना किसी कारण से, लेकिन न्यूज़ तो बाद में, बट पहले हमें वो मिनिस्ट्रीज याद होनी चाहिए। आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा, इसलिए आप जब गूगल करेंगे तो क्यों न्यूज़ में है ये भी पढ़ लीजिएगा। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? भारत के स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा आपके लिए है, नेम द शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेम द शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दोनों, शिपिंग जो होती है ना बंदरगाह में एक जगह से दूसरी जगह हम शिपमेंट भेजते हैं, सामान का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो बताना है। और दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलो मैं 8th का बता देता हूँ, ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि इन्होंने एक नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खोला है मणिपुर के इम्फाल में। कहाँ पे? मणिपुर के इम्फाल में। इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, इन्होंने ही खोला है। तो हमें मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का नाम जानना है आज आपके साथ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और दूसरा शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है ये भी बताना है। तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर की बातें। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रश्न दे रहा हूँ होमवर्क का, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो नए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन विच सिटी? अब आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या, कब कब हुई, इसमें कौन कौन शामिल हुआ, अगर महात्मा गांधी शामिल हुए तो कब कब हुए, B.R. अंबेडकर शामिल हुए तो कब कब हुए, और इसका मेन मोटिव क्या था, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, ये सब चीज़ें आप पढ़ लोगे। बड़ा ही आई थिंक 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको होमवर्क के आंसर तो देना ही देना है, लेकिन साथ में आप पढ़िएगा अपनी नॉलेज के लिए, अपने नंबर सिक्योर करने के लिए कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या। मान लीजिए मेरी बात, मॉडर्न इतिहास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सैटरडे है आज, 2-3 वीडियोस आपको मिलेंगी, जरूर देखिएगा। एक मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको तो देखना मत भूलिएगा, दिन की शुरुआत अच्छे से करें। कल संडे है, कल आपका पिछले वीक का सारा टेस्ट होगा, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा सारा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। कल हम होंगे लाइव, लाइव सेशन लिया जाएगा कल। सो लाइव जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लोग आना, जुड़ना और अपने दोस्तों को भी जोड़ना। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं, जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।